लॉकडाउन के दौरान राशन दुकानों या सुपरमार्केट पर भीड़ की समस्या सिर्फ भारत की नहीं है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों की भी है। तस्वीरें साउथ अफ्रीका की हैं, जहां सरकार की ओर से 3 हफ्ते के लॉकडाउन के ऐलान के बाद सुपरमार्केट के बाहर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। लोग लंबी कतारों में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। हालांकि इस बीच साउथ अफ्रीकी मार्केट में कोरोना से बचने के लिए दूसरी सावधानियों का खास ख्याल रखा गया, जैसे लोगों के हाथों को सैनिटाइज किया गया और एक बार में लिमिटेड संख्या में ही लोगों को सुपरमार्केट के अंदर घुसने की इजाजत दी गई। साउथ अफ्रीका की ही तरह जापान की राजधानी टोक्यो में भी दुकानों के बाहर सामान खरीदने की होड़ दिखी। ये हाल तब है जब सरकार ने इन्हें बस अपने घरों में रहने का आदेश दिया है। बता दें कि जापान में अभी लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन खतरा बढ़ा तो सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले सकती है।